नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी को 2 साल की सुनाई सजा। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में सूरत की एक अदालत ने पिछले दिनों राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार 3 अप्रैल को सूरत जा सकते हैं, जहां वह मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी को CJM कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने वाली पिटीशन तैयार हो चुकी है। इसे मामले में सूरत पहुंचकर राहुल गांधी कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। दरअसल इसी मामले में राहुल गांधी पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सूरत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। राहुल गांधी को इसी मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुना दी।